अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद बिगड़े हालात में महाराजगंज जिले से रोजी रोटी की तलाश में गए जंग बहादुर काबुल में फंस गए। परिजन मोदी सरकार से उनकी घर वापसी को लेकर गुहार लगा रहे हैं। आपको बता दें, जिले के श्यामदेवरवा थाना क्षेत्र के श्यामदेवरवा गांव निवासी जंग बहादुर पिछले 5 सालों से अफगानिस्तान के काबुल में एक प्राइवेट कंपनी में रहकर खाना बनाने का काम करते हैं। अपने घर के इकलौते कमाने वाले जंग बहादुर की 6 बेटियां और पत्नी घर पर हैं। वहाँ पर लड़ाई छिड़ गई है, कह रहे हैं कि बेटा हम घर आएंगे, तो हम कहें कि वो कह रहे हैं बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है, 5 दिन हो गए हम लोग खाने नहीं खाएं। अच्छा, कब फोन आया था उनका? 5:30 बजे कल आया था। क्या कह रहे थे, पूरी बात बताओ, क्या कह रहे हैं? बहुत घबराहट हो रही है, हम घर आना चाहते हैं। अफगानिस्तान में हालात बिगड़ने के बाद से लगातार वो अपने परिवार के संपर्क में हैं और घर वापसी की कोशिश में जुटे हुए हैं। वहीं परिजनों की मांग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अफगानिस्तान से उनकी सकुशल और सुरक्षित वापसी के लिए मदद करें। जंग बहादुर ने बताया कि यहाँ युद्ध छिड़ गई है, ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, हम आना चाहते हैं। हमसे बात हुई, उसके बाद में फिर हमने आन लोगों से भी बताया सारी बात को, और हम यह चाहते भी हैं। और जंग बहादुर की 6 बेटियाँ हैं, ये कहीं कमाने वाले हैं, इनको तो दिक्कत ही है। हम लोग भी चाह रहे हैं, इनके परिवार भी उनका चाह रहा है कि सरकार से हम लोग गुहार लगा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो अपने वतन को वापस आ जाएं। वहीं गांव के प्रधान के मुताबिक, जब से उन्हें गांव के एक व्यक्ति की अफगानिस्तान में फंसे होने की जानकारी मिली है, वो परिवार की मदद में जुटे हुए हैं। स्पेशल डेस्क, जनमत न्यूज़।